شراقة نفسي بنور من فوادي حينما رددت يا رب العبادي وانت بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب لي صدري ويسر لي أمري واحلل كذة من لساني يفكه قولي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم रहमतुल्लाहि व बरकातहू आज मेरा टॉपिक है रियाकारी अल्लाह फरमाते हैं निसा आयत नंबर थर्टी एट में वजी कर जो लोग अपना माल लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं हकीकत ना वो अल्लाह पर ईमान रखते हैं ना क़यामत के दिन पर और जिसका हम साथी शैतान हो वो बदतरीन साथी है। अमल साले की शर्तों में से ये भी है कि वो हर तरह के दिखावे से खाली और सुनत नबिया अलैहि वसल्लम के मुताबिक हो और जो दूसरे लोगों को दिखाने के लिए इबादत करते हैं वो मुशरक है और ये शिर के असगर है और उनका ये आमाल बेकार हो जाएंगे जिस तरह की कि किसी शख्स ने लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी तो उसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं सुर निसा आयत नंबर 142 में बेशक मुनाफिक अल्लाह सुबाना ताल से चालबाजियाँ कर रहे हैं और वो उन्हें इस चालबाज़ी का बदला देने वाला है और जब नमाज को खड़े होते हैं तो बड़ी सुस्ती के हालत में खड़े होते हैं सिर्फ लोगों को दिखाते हैं और याद इलाही तो उन्हीं से बारे इनाम करते हैं यहाँ पर मैं चंद हदीस सुनाना चाहती हूँ इब्ने मज़ा की हदीस है हजरत जुंदब रज़ा ताली अनु से रिवायत है रसूल सल वसलम ने फरमाया जो रियाकारी करेगा अल्लाह ताला उसके रियाकारी लोगों के सामने जाहिर करेगा और जो शहरत के लिए कोई अमल करेगा अल्लाह ताला उसको रसुआ और जलील करेगा सही बुखारी की हदीस है हज़रत अबू सईद कुदरी रज तु से रवायत है रसूल सल वसम ने फरमाया हमारा रब क़्यामत के दिन अपने पिंडली खोलेगा उस वक्त हर मोमिन मर्द और मोमिना औरत उसके लिए सजदे में गिर पड़ेंगे सिर्फ़ वो बाक़ी रह जाएंगे जो दुनिया में दिखावे और नामवारी के लिए सजदा करते थे जब वो सजदा करना चाहेंगे तो उनके पीठ तखते हो जाएंगे और वो सजदे के लिए ना मुड़ सकेंगे अबू दाऊद की हदी से हजरत अब्दुल्ला इब्न उमैर रज़िया तला से रिवायत है कि जिसने शोहरत और नामवारी के लिबास पहना अल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह उसे उसी तरह के लिबास पहनाएगा फिर उस कपड़े में आग लगा दी जाएगी इब्न माजा की हदी से हजरत मुआज बिन जबल रज़िय तु से रिवायत है रसूल सल वसल्लम ने फरमाया मामूली रियाकारी भी शिरक है तिरमिज़ी की हदी से हज़रत अबू हुरैरा रज़ तनु से रिवायत है रसोल्ला वसलम ने फरमाया जुबल हसन से अल्लाह ताली की पनाह मांगो साहबा ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल जुब अल हुज्म क्या है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जहन्नुम की एक वादी है जिससे जहन्नुम भी हर रोज़ सौ मरतबा पना मांगती है फिर साहबा ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल उसमें कौन लोग दाखिल होंगे आप फ़रमाया रिया कारी उस में दाखिल होंगे सही मुस्लिम के हदीस है जो शख्स लोगों को सुनाने के लिए अमल करेगा अल्लाह सुबहान त ऐब दूसरों को सुनाएगा और जो शख्स लोगों को दिखाने के लिए कोई काम करेगा तो अल्लाह उस शख्स की असलियत सबको दिखाएगा रिया अरे रिया अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ रॉ से है यानी दिखाना शरीयत में इसका मायने होते हैं जो अमल अल्लाह के लिए खालिश होते हैं जिसका हुक्म उसने दिया है वो अमल को अल्लाह के सिवा किसी और के लिए करे यानी इंसान के लिए करना ताकि इंसान खुश हो जाए या दुनियावी फ़ायदा हो उसको रिया कहते हैं यानी दिखावा रिया की दो शक्लें हो सकती है पूरा काम ही दिखावे के लिए हो या कुछ हिस्सा अल्लाह के लिए हो और कुछ गैरुल्ला के लिए रिया का ताल्लुक दिल से होता है जिस तरह ईमान का ताल्लुक होता है तो अगर इंसान के दिल में नीयत दिखावे की हो तो पूरा अमल ही बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि अमाल का दारदार नीयत पर होता है पूरा इस्लाम नीयत पर मुयसर है लिहाजा अमल के इन हिसार नीयतों पर है और नीयत में अगर लोगों को दिखावे हो तो कबूल कैसे होगा अगर रत्ती बराबर भी दिखावा हो तो अमल बर्बाद हो जाएंगे कबूलीत का इनार नेक अमल और नियत पर होता है इंसान का दुनिया में भेजे जाने का मकसद ही एहसान अमल है और अगर नियत में रिया शामिल हो जाए तो अमल को दागदार बना देती है हजरत उमर बिन खत्था रज़ियनु से रिवायत है कि सल वसलम ने फरमाया सारे सारे अमाल का दारोमदार नियत पर है आदमी का हर अमल पर उसकी नीयत देखी जाएगी रिया को शिर के खाफ भी कहते हैं यानी हिडन शर यह हमारे अंदर एक चींटी की तरह आहिस्ता आहिस्ता खामोशी के साथ दाखिल होता है और जिस तरह काली रात में काले पत्थर पर काली चींटी दिखाई नहीं देती उसी तरह रिया को पहचाना भी मुहाल हो जाता है और अमल बर्बाद करके चली जाती है अमल का पूरा सवाब ज़ाया हो जाता है दुनिया और आखिरत में जिल्लत का सबब बनती है जो लोग आमाल की बड़ाई करते हैं अल्लाह मखलूक के सामने जलील और रसवा करते हैं करता है जहन्नुम में जाने की पहली वजह रिया होगी कारी यानी दिखावा आज हम खुद को मोमिन तो कहते हैं लेकिन हर काम में दिखावा करते हैं दिखावा करना एक मुनाफिक का काम है मोमिन का नहीं मुनाफिक वो है जो सिर्फ अपनी दुनिया के बारे में सोचता है वो दुआ भी करता है तो दुनिया की नमाज में भी अल्लाह को वो कम याद करता है क़यामत के बारे में उसे शक होता है कि पता नहीं आएगी भी या नहीं वो सिर्फ दुनिया के लिए जीता है फिर अगर कोई अच्छा काम भी करता है तो दिखावे के लिए कि लोगों उसकी तारीफ करें ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला क्या कहते हैं सरेल बकरा आयत टू सिक्सटी फोर में बहुत प्यार से ईमान वालों को पुकारा जा रहा है और नसीहत की जा रही है ए लोगों जो ईमान लाए हो अपने सदक़ात को एहसान जताकर अजियत देकर ज़ाया ना करना और उस शख्स की तरह ना हो जाना जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाता जिसे क़यामत का भी यकीन नहीं ये एक मुनाफिक है जो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए सदका करता है ताकि सब उसकी इज्जत करे उसका नाम हो उसकी लोग तारीफ करें उसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं होता ना ही यह एहसास होता है कि क़यामत के दिन अल्लाह को हिसाब देना है इसकी मिसाल ऐसी है जैसा एक सख्त चट्टान हो चिकनी पत्थर की जो उसका दिल है फिर उस पर कुछ मिट्टी पड़ी यानी उस इंसान में कुछ सदका किया मिट्टी से लफ आती है बीन डालना जाए तो फसल पैदा होती है यानी उसको उसका सवाब मिलता इससे पहले ही उसने दिखावा किया जो तेज़ बारिश की शक्ल में आया और जो मिट्टी पड़ी थी वो धुल गया और वो चट्टान साफ हो गई जैसे कभी कुछ था ही नहीं यानी उसकी सारी नहीं धुल गए कुछ नहीं बचा यानी सदका करने से जब तक उसको कुछ फ़ायदा पहुंचता उससे पहले ही दिखावे की वजह से सब ख़त्म हो गया अब उस उसके सदका का कोई सवाब नहीं मिलेगा यह एग्ज़ाम्पल देकर ईमान वालों को अल्लाह ताला ने खबरदार किया कि तुम ऐसा दिखावा ना करना वरना तुम्हारा सदका भी ज़ाया हो जाएगा फिर फरमाया जो भी नेकी उन्होंने कमाई थी उस पर उनकी अब कोई कुदरत नहीं यानी उसका अब कोई फ़ायदा नहीं और ऐसे काफिरों के कौम को फिर अल्लाह ताला हिदायत भी नहीं देता यानी फिर वो यही अमल करता करते करते मर जाते और उन्हें हिदायत भी नहीं मिलती और उनकी नकियाँ भी नेकियों का कोई सवाब भी नहीं मिलता हिदायत किसे मिलती है वो जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है जिसे यह एहसास होता है कि क़यामत के दिन अल्लाह को जवाब देना है जो अल्लाह से हिदायत मांगता है लेकिन जो अल्लाह का क़यामत के दिन का इनकार करता है कुफ्र करता है उसे फिर अल्लाह ताला उसके हाल पर छोड़ देता है फिर उसे सही रास्ता नहीं मिलता हिदायत नहीं मिलती यहाँ हमारे लिए हिदायत क्या है कि हम खबरदार हो जाए और दिखावा बिल्कुल छोड़ दे वरना किसी सदके का किसी नेकी का कोई सवाब नहीं मिलेगा क्या हम दिखावा करते हैं हाँ करते हैं शादियों में बेहिसाब पैसा खर्चा करते हैं सिर्फ दिखाने के लिए उतने पैसे में कितने गरीब लड़कियों की शादी हो जाए गिफ्ट भी एक दूसरों को दिखाने के लिए देते हैं इसके अलावा भी अगर बड़ा अमाउंट किसी की बीमारी पर खर्च करते हैं तो चाहते हैं सबको पता चल जाए सब अप्रिशिएट करें किसी इंस्टीट्यूट को कुछ देते हैं तो चाहते हैं सबको पता चल जाए ताकि खूब तारीफ हो हर काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं शोहरत के लिए करते हैं क़्यामत के दिन कुछ लोगों के पास पहाड़ के बराबर नेकियां होंगे लेकिन अल्लाह ताला उन्हें गुब्बार बनाकर उड़ा देंगे क्योंकि वो अल्लाह के लिए ना कि होगी सिर्फ़ दिखावे के लिए की होगी रियाकारी, शो ऑफ अमाल की बर्बादी अल्लाह हम सबको रियाकारी जैसे शिक्ष से महफूज रखे और खालिस अल्लाह की रजा के लिए आमल साल करने की नेक तोीक़ दे और हमसे कबूल फ़रमाए आमीन या रबुलमीन अल्लामक वरह वबरकू يا رب العباد